अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर प्रदेश भर के सरपंच बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन इस बार यह आंदोलन सरपंच संघ राजस्थान की नई कार्यकारिणी के नेतृत्व में किया जाएगा। सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को पूर्व में कई बार अपनी मांगों को लेकर अवगत करवाया गया है, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। और अगर 24 अगस्त तक सरकार वार्ता कर मांगों को पूरा नहीं करती तो सरपंच संघ जयपुर में आंदोलन करेगा। सरपंच संघ के पदाधिकारियों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी जियाउद्दीन खान ने। प्रदेश भर के सरपंच एक बार फिर से आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, इसी को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन इस बार आंदोलन एक नई टीम के साथ किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और तमाम मांगों को लेकर एक सरकार को मांग पत्र सौंपा जाएगा और उसमें अल्टीमेटम दिया जाएगा 24 अगस्त तक का। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर से एक बड़ा आंदोलन होगा, उसी को लेकर, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी के अब 3 ही पद बचे हैं, अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष या संरक्षक और संयोजक। बाकी समस्त प्रदेश कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी उनको हटा दिया गया। आखिर क्या वजह रही और क्या फैसला लिया गया? प्रदेशाध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे जानते क्या वजह रही, क्या निर्णय लिया गया। हमारा प्रदेश का धरना प्रदर्शन 25 जुलाई से चल रहा है। हमने जयपुर में मीटिंग की थी और सभी जिला अध्यक्ष, सभी कार्यकारिणी के सदस्य, हम सब शामिल थे और उसके अंदर महापड़ाव का निर्णय लिया गया और महापड़ाव 5 तारीख से लेकर 7 अगस्त तक चला। उसके अंदर सरकार से भी हमारी वार्ता हुई, अधिकारियों से भी हुई, हमारी कुछ मांगे मान ली गई लेकिन हमारी समस्त मांगे नहीं मानी गई। उसको लेकर आज दिन तक भी हमारा आंदोलन जारी है और हमारी जो मांगे अधूरी है उसके लिए सरकार के प्रतिनिधि गोविंद सिंह डोटासरा जी से हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं CM साहब बाहर हैं और बाहर से आने के बाद मैं आपकी जो भी उच्च स्तर की मांगे हैं CM स्तर की वो मैं मांगे आपकी मीटिंग करा के और आपसे वार्ता करवा दूँगा। कब तक का समय दिया है सरकार? अभी 24 तारीख तक का समय दिया है सरकार ने, और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, हमारे से बात नहीं करती है, तो हम 24 तारीख से दोबारा से आंदोलन पर हैं और पूरा प्रदेश सरपंच संघ साथ है। एक कार्यकारिणी को भंग किया गया है, वजह क्या रही, अब क्या होगा इसके? कार्यकारिणी काफ़ी पहले ही बनाई थी हमने, तो उस टाइम कुछ सक्रिय लोग थे वो आए नहीं, उनका बाद में आए और उस टाइम जो बनाए थे वो लोग, कुछ लोग पार्टिसिपेट कर नहीं पा रहे थे, ठीक से सक्रिय नहीं थे, तो इसलिए हमने सोचा कि एक नई ऊर्जा के साथ में हम नई कार्यकारिणी का गठन करें। इसलिए पूरी कार्यकारिणी को फिर से हम चेंज करके और नया ऊर्जावान, और जो हमने देखा पिछले आंदोलन के अंदर जो सक्रिय लोग थे तो उन लोगों को लेना हमने उचित समझा कि इन लोगों को भी साथ में जोड़ा जाए, जो अनुभवी आदमी है और जो वास्तव में जो धरातल पर काम करना चाहते हैं उन लोगों को कार्यकारिणी में लिया जाएगा ताकि आगे का आंदोलन हमारा वो ज़ोर शोर से चले। देखिए अभी तक सरपंचों का बहिष्कार जारी है और नए फैसले भी नहीं, क्या क्या वो फैसले हैं? जो ग्रामीण आगे की हमारी रणनीति नई कार्यकारिणी बनने के बाद हम तय करेंगे, अभी हमने ये निर्णय लिया है कि ग्रामीण जो ओलंपिक खेलों का जो सरकार द्वारा आयोजन किया जा रहा है उसका हमने संपूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया गया है, और पंचायत में जो अन्य कार्य भी होंगे उनका सबका सरपंचों ने और पूरे पंचायत राज को हमने उसको स्थगित कर दिया गया है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी कार्य में भाग नहीं लेंगे और हमारा आंदोलन को गति देने के लिए नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। फिलहाल सरपंच संघ राजस्थान के पदाधिकारियों का यही कहना है, सरकार ने जो वादा किया था, जो वार्ता हुई थी और उसमें जो समझौते हुए थे उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, अगर लागू नहीं करते हैं तो ग्रामीण ओलंपिक का बहिष्कार किया जाएगा, साथ ही 24 अगस्त के बाद से प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में अब देखना यह है कि सरपंच संघ का यह आंदोलन हो पाता है, सरकार वार्ता के लिए बुलाती है और क्या निर्णय निकल पाता है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।